अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम दोस्तों क्रिक टेल्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का, जहां पर मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज 2021 का पहला T20 मुकाबला होगा इन दोनों टीम्स के दरमियान, जहां पर इस स्टूडियो में आप जान सकेंगे इस मैच का मुकम्मल प्रीव्यू, ये मैच कब कहां और कितने बजे खेला जाएगा, मैच प्रिडिक्शन क्या है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या हैं और दोनों टीम्स के अंदर कौन कौन सी प्लेइंग 11 जो है वो खेल सकती है, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जहाँ पर वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए, वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लेते हैं इस मैच की, तो ये मैच इस सीरीज का पहला T20 मुकाबला होगा जहां तीन T20 मुकाबले खेले जाएंगे इन दोनों टीम्स के दरमियान, और ये मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान 11 फरवरी थर्सडे वाले दिन यानी कि जुमेरात वाले दिन जो है वो पाकिस्तानी वक्त मुताबिक शाम 6 बजे, जबकि इंडिया के वक्त मुताबिक 6:30 बजे ये मैच शुरू होगा, जहां पर लाहौर से ये मैच जो है वो इन दोनों टीम्स के दरमियान लाइव खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला T20 मुकाबला होगा जहां पर पाकिस्तान के हम कुछ हालात की बात कर लेते, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो पिछली सीरीज़ के अंदर शिकस्त खाई थी टीम न्यूजीलैंड से, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी होम कंडीशंस में पाकिस्तान की टीम को जो है वो 2-1 से हराया था। याद रहे उस सीरीज़ के अंदर बाबर आजम नहीं थे, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लाइक बाबर आजम की जो है वो टीम के अंदर वापसी हो रही है, हसन अली की जो है वो टीम के अंदर वापसी हो रही है, लेकिन इसके अलावा 2-3 बड़े बड़े नाम भी जो हैं वो इस मैच के अंदर मिसिंग होंगे, जैसे कि मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इसके साथ साथ ना ही शादाब खान होंगे और ना ही इमाद वसीम होंगे, तो एक डिफरेंट टीम जो है वो पाकिस्तान की टीम हमें खेलते हुए इस मैच के अंदर दिखाई देगी। जबकि दूसरी जानेब साउथ अफ्रीका की टीम की बात कर लेते हैं गाइस, तो साउथ अफ्रीका की टीम भी एक ब्रांड न्यू टीम है, सवाए 2-3 प्लेयर्स के सारे प्लेयर जो हैं वो टीम साउथ अफ्रीका के अंदर नए हैं, लाइक डेविड मिलर जो है उनकी टीम का हिस्सा है और नए कप्तान एनरिक क्लासन की कप्तानी के अंदर जो है वो ये टीम हमें खेलते हुए दिखाई देगी। याद रहे इससे पहले पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को टेस्ट सीरीज़ के अंदर 2-0 से मात दी थी, और अब बारी है T20 मैचेस की, जहां पर बड़ा मौका होगा टीम पाकिस्तान के पास के वो साउथ अफ्रीका की टीम को इस मैच के अंदर बीट करें और आगे जो है वो बड़े सीरीज़ के अंदर 1-0 लीड के साथ। जहां पर एक इंटरेस्टिंग स्टैट आपको बताता चलूंगा, इसके अभी तक जितने भी T20 सीरीज़ हुई हैं पाकिस्तान और टीम साउथ अफ्रीका के दरमियान, पाकिस्तान की टीम ने एक भी T20 सीरीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती नहीं हुई, तो ये एक बड़ा मौका है, सबसे बड़ा मौका है पाकिस्तान के पास, क्योंकि मैचेस भी होम कंडीशंस में हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका होगा इस मैच को जीतने का। जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं गाइस मैच के अंदर जो है वो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, यानी कि अब तक जो मैचेस खेले गए हैं उसके अंदर किस टीम का पलड़ा भारी रहा है, तो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान अभी तक 14 T20 मैचेस खेले गए हैं, जहाँ पर 8 मैचेस को टीम साउथ अफ्रीका ने विन कर रखा है, जबकि पाकिस्तान की टीम ने 6 T20 मुकाबले जो है वो अब तक विन कर रखे हैं, और अब देखते हैं कि ये वाला मैच कौन सी टीम विन करती है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की, तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस मैच के अंदर जो है वो 67% यानी कि 67% हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस 33% हैं। और इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं पिच और वेदर कंडीशन की गाइस, तो पिच जो है वो बल्लेबाजी के लिए साजगार रहने वाली है, कोई भी किस्म किसी भी किस्म की जो है वो बैट्समैनों को मुश्किल नहीं आएगी इस पिच के ऊपर। वेदर की अगर हम बात कर लेते हैं गाइस, तो ड्यू गिरेगी शाम के वक्त, ये मैच है तो ड्यू फैक्टर जो है वो आ सकता है, बाद में बॉलिंग करवाने वाली टीम को थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन बारिश होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है इस मैच के अंदर, तो एक मुकम्मल मैच जो है वो होते हुए हमें दिखाई देगा इन दोनों टीम्स के दरमियान। और इसी तरह अगर हम फाइनली बात कर लेते हैं इस मैच की प्लेइंग 11 की गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं टीम साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11, जो कि अगर हम बात कर लेते हैं तो इन प्लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी नई प्लेइंग 11 है, जहां पर नंबर 1 पर जाने मन मिलान जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, नंबर 2 पर इनकी टीम के अंदर जो है वो रिजा हेनरिक्स रहेंगे, और रिजा हेनरिक्स काफ़ी देर से इनकी टीम का हिस्सा हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं नंबर 3 के प्लेयर की, तो एक अच्छे बैट्समैन हैं, नए प्लेयर हैं जॉन जॉन सुमिट्स, जो कि टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। नंबर 5 जो है वो डेविड मिलर है गाइस, और डेविड मिलर के बारे में आपको बताता चलूं कि
इनको सिर्फ और सिर्फ 99 रनों की ज़रूरत है। अगर ये 99 रन मजीद बना लेते हैं तो ये फाफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़ देंगे और साउथ अफ्रीका के सबसे कामयाब तरीन जो है वो बल्लेबाज बन जाएंगे गाइज। तो ये भी एक अहम जो है वो माइलस्टोन रहने वाला है डेविड मिलर के लिए, जो कि सबसे अहम प्लेयर रहने वाले हैं इस टीम के। नंबर 5 पर हेनरिक लार्सन जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, विकेट कीपर हैं और कप्तानी भी करेंगे। जी हाँ गाइस, इस सीरीज के अंदर ये हमें कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे टीम साउथ अफ्रीका की। नंबर 6 पर बिल जॉन जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। नंबर 7 पर ड्वेन प्रिटोरियस जो है वो टीम का अंदर शामिल होंगे। नंबर 8 पर जॉर्ज लिंडे, जो कि टेस्ट सीरीज भी खेले थे और अच्छी एबिलिटीज का जो है वो इन्होंने सामना किया था, वो टीम के अंदर शामिल होंगे। नंबर 2 पर लिथुस सिपामला जो है वो टीम के अंदर शामिल रहने वाले हैं, जबकि नंबर 11 पर तबरेज शम्सी और नंबर 12 पर सुटरमैन जो है वो टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। गैल्टन सुपर सुटरमैन जो है वो दोस्तों एज ए फास्ट बॉलर टीम के अंदर खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये रहने वाली है टीम साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कुछ यूँ रहने वाली है, जहां पर नंबर 1 पर कप्तान की वापसी होगी टीम के अंदर। बाबर आजम जो है वो दोस्तों टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, उनके साथ ही प्लेयर होंगे हैदर अली, तेज क्रिकेट खेलते हैं और शुरुआती ओवर्स के अंदर अगर ये दोनों प्लेयर्स पावर प्ले खेल जाते हैं तो फिर एक बड़ा स्कोर जो है वो बनाते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं टीम पाकिस्तान की जानिब से। एंड इसके बाद नंबर आता है मोहम्मद रिजवान का, जो कि नंबर 3 पर हमें टीम पाकिस्तान की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद रिजवान उमदा फॉर्म के अंदर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म के अंदर हैं और न्यूजीलैंड के अंदर भी इन्होंने आखिरी T20 मुकाबला जो है वो टीम पाकिस्तान को जितवाया था, तो ये भी हमें टीम के अंदर शामिल होते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह नंबर 4 पर खुशदिल शॉ जो कि मिडल ऑर्डर के अंदर खेलेंगे। नंबर 5 पर आसिफ अली की जो है वो टीम के अंदर वापसी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बिग हिटर्स को मिस कर रहा था, तो इसलिए आसिफ अली को जो है वो टीम के अंदर शामिल किया गया है। याद रहे ना तो शुएब मलिक जो है वो टीम का हिस्सा है और ना ही टीम के अंदर जो है मोहम्मद हफीज़ शामिल है, तो नए प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान की टीम जाएगी। इसी तरह दोस्तों नंबर 6 पर हुसैन तल्लर टीम के अंदर शामिल होंगे, लेफ्ट आर्म ये बॉलर हैं और बैट्समैन हैं माफ कीजिएगा, और अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इससे पहले भी इन्होंने एक 50 जो है वो स्कोर कर रखी है। नंबर 7 पर फहीम अशरफ जो है वो टीम के अंदर, या फिर फहीम अशरफ या इफ्तिखार में से एक प्लेयर जो है वो टीम के अंदर खेलेगा, लेकिन पिच को देखते हुए फिर डिसाइड किया जाएगा कि इन दोनों प्लेयर्स में से कौन सा प्लेयर जो है वो टीम के अंदर शामिल रहने वाला है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्लेयर की, तो वो रहने वाले हैं मोहम्मद नवाज। शादाब खान की गैर मौजूदगी में जो है मोहम्मद नवाज एज ए ऑलराउंडर टीम के अंदर शामिल रहने वाले हैं। नंबर 9 पर हसन अली जो है वो दोस्तों टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, और हसन अली ने टेस्ट मैचेस के अंदर बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी, 10 विकेट्स को अपने नाम किया था लास्ट टेस्ट मैच के अंदर। एंड नंबर 10 पर हारिस राउफ टीम के अंदर शामिल रहने वाले हैं एज ए सेकेंड फास्ट बॉलर, जबकि स्पिन बॉलर के रूप में हमें उस्मान कादिर जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे। और जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने अपना डेब्यू किया था और 7 विकेट को इन्होंने 2 मैचेस के अंदर अपने नाम किया था, ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में है। और शादाब खान की गैर मौजूदगी में, इमाद वसीम की गैर मौजूदगी में ये हमें टीम के अंदर शामिल होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये रहने वाली है टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11, एक दफ़ा फिर से सुन लीजिएगा। बाबर आजम, हैदर अली, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, आसिफ अली, हुसैन तल्लत, फहीम अशरफ, या फिर इफ्तिखार में से एक प्लेयर खेलेगा, मोहम्मद नवाज, हसन अली, हारिस रऊफ एंड उस्मान कादिर जो है वो टीम के अंदर शामिल रहेंगे। और यहाँ पर शाहीन आफरीदी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उनको थोड़ा सा आराम दिया जाएगा और अगले मैच के अंदर जो है वो उनको टीम के अंदर शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 रहने वाली है टीम पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 इससे पहले आप जान चुके हैं, तो यही प्रोबेबल प्लेइंग 11 खेलेगी। याद रहे मैच की टाइमिंग के बारे में आपको फिर से बता दूं कि मैच की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। 11 फरवरी वाले दिन ये मैच जो है वो शाम 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, 6:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच जो है वो लाहौर कदाफी स्टेडियम से खेला जाएगा। अब आपके ख्याल से कौन सी टीम जो है वो इस मैच को जीतेगी और इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ेगी, इस मुतलिक आप तमाम दोस्तों ने बताना है, और आपके ख्याल से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या रह सकती थी इस मैच के लिए, ये भी आपने बताना है। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये सीरीज़ का पहला मैच है, दूसरा मैच इन दोनों टीम्स के दरमियान कदाफी स्टेडियम लाहौर से ही 13 तारीख हफ्ते वाले दिन, और तीसरा मैच जो है वो इन दोनों टीम्स के दरमियान 14 तारीख को, यानी कि अगले ही दिन संडे वाले दिन जो है वो इन दोनों टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। आपने अपनी राय का इजहार करना है और बताना है हमें कि आपके ख्याल से कौन सी टीम इस मैच की और इस सीरीज़ की विजेता रहेगी, क्या पाकिस्तान की टीम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री साउथ अफ्रीका की टीम को जो है वो
टी20 सीरीज हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी। जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने वाइट वॉश किया पहली दफा साउथ अफ्रीका की टीम को जो है वो टेस्ट मैच के अंदर, क्या वो दोबारा से हो पाएगा या नहीं, ये आपने बताना है। वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मैं मिलूंगा जल्द ही आपको एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। मैच के ऊपर जब टॉस होगा तो तब हम आपको दोबारा से एक नई अपडेट के साथ ज्वाइन करेंगे और मैच के बीच बीच भी जो है वो हम शॉर्ट वीडियोस बनाकर आपको बताते रहेंगे कि अब ये स्कोर है, अब ये स्कोर है। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए यूं ही हमारा साथ देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अपने होस्ट एंड दोस्त वासिफ अली को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।